नेक्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तो व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय फाइव क्लियर सरफेसेस, थ्री रेक्टेंगुलर एंड टू ट्रायंगुलर सरफेसेस, टू ट्रायंगुलर सरफेसेस ना, ठीक है। तो जैसे ये आप एक ट्रायंगुलर सरफेस है, एक ट्रायंगुलर सरफेस है, अब देखिए एक रेक्टेंगुलर फेस आपका ये, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फेस है, ये दूसरा रेक्टेंगुलर फेस है, ठीक है, ये तीसरा रेक्टेंगुलर फेस है, इसमें तीन रेक्टेंगुलर फेस है, एक तो एक रेक्टेंगुलर फेस है वो आपका ना, एक रेक्टेंगुलर फेस आपका ये बन रहा है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर फेस ये बन रहा है, मतलब साइड ऑफ प्रिज्म पर जो है तीन रेक्टेंगल बने हुए हैं ना, ठीक है। तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड टू ट्रायंगुलर सरफेसेस, ठीक है। तो इस तरह सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज ए ट्रायंगल, अगर हम इस प्रिज्म को कट करेंगे किसी पॉइंट से, यहाँ पर व्हाट के लिए आप कट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? ट्रायंगल मिलेगा, क्या मिलेगा? ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर होगा, जैसे यहाँ पर होगा ना, तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल पर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? एक ट्रायंगल पर रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कुछ टाइम पढ़ना है, एक प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल क्या होता है, या रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म? एंगल बिटवीन टू रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस, एंगल बिटवीन टू रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, है एंगल बिटवीन टू रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो देखिए जैसे प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म, इस प्रिज्म का जो है देखिए एक रिफ्रेक्टिंग फेस है, अगर लाइट इस पे गिरेगी जिससे होकर के इससे बाहर आ गया, जो रिफ्लेक्टिव फेस आपका ये हुआ, ये हुआ, अभी दोनों रिफ्लेक्टिव फेस के बीच जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो इंसुलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव सरफेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो प्रिज्म एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिव सरफेसेस ऑफ प्रिज्म, एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म, टू रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेज ऑफ प्रिज्म, सर्फेसेज ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, इसको प्रिज्म एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज तो ये क्या चीज है, मतलब ये प्रिज्म एंगल हो गया ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन के टाइम में इस सरफेस पर होगा, इस सरफेस पर होगा। देखिए रिफ्लेक्शन आपको दिखाना है, यहाँ पर हमने कोई लाइट बीम गिरा दिया ना, ठीक है, अब इस लाइट बीम का रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ। तो लाइट रे यहाँ क्या एयर है, ये क्या ग्लास है, तो वह लाइट रे गो फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर करेगी तो क्या होगा, नॉर्मल क्यूर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल क्यूर क्या होगी, बेंड हो जाएगी ना, इन एब्सेंस ऑफ दिस प्रिज्म पाथ ऑफ द रे, अगर प्रिज्म नहीं होता इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा, मैंने लाइट रे चेंज हो जाएगी, ठीक है, और डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, नॉर्मल जो मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी ना, तैयार नॉर्मल चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नॉर्मल चेंज हो जाए। तो देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये कितना होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉइंट क्लियर हो जाए, यहाँ से यहाँ तक एंगल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंगल, मतलब ये एंगल है एंगल ऑफ, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वर्ड क्लियर हो जाए ना। लेकिन लाइट नॉर्मल पर बेंड हो रही है, तो बेंड होने से एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जो होगा नॉर्मल और रिफ्रेक्टिव रे के बीच एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन होता है, तो रिफ्रेक्टिव रे ये है तुम्हारा नॉर्मल ही है, इनके बीच जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये बोलो आई से क्या काम है, क्योंकि आई इतना है, आई आपका यहाँ से यहाँ तक है और आर भी आपका यहाँ से, है ना, आर का मान ऐसे कम हो गया,
ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पार्ट पर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, इस पार्ट पर रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए यहाँ इस पार्ट पर नॉर्म कितना पड़ेगा मुझे, इस पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्म कितना, ठीक है। फिर नॉर्म हम लिख दिए, लाइट रे जो है क्या हो रहा है बताओ, ग्लास से एयर जा रही है, ग्लास से एयर जा रही है, क्या होगा, नार्मल से दूर हो जाएगी। अगर ये ना होता तो इसका पाथ ही बनता, लेकिन दूसरे पार्टिकल से आप एयर, दूसरा मीडियम रेयर मीडियम क्या होगा, एंगल आप रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो लाइट रे आप इधर से जाएगी, ठीक है। तो बीसी पाथ फॉलो करेंगे ये जो है क्या कहलाएगा, लाइट रे ये इमर्जेंट रे, ये क्या मतलब ये ग्लास फ्रेम से बाहर आ रही है, इसे क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे ना, ये आपका क्या इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये क्या चीज है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे ना, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट नॉर्मल भी जो एंगल बनेगा इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा, क्या ठीक है। तो चलिए आप देखिए, अगर एक प्रिज्म ना होता, प्रिज्म मानते हैं पी क्यू आर, आर अगर एक प्रिज्म ना होता तो लाइट रे हमारी चल जाती है, ये सीधे चले जाते ना, बट ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ प्रिज्म इसका पाथ ये था, इधर ना होकर के यहाँ आगे ये पाथ हो गया, अब लाइट रे इधर से जाती है ना, इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो लाइट रे अपने पास से कितना डेविएट हुई बताओ, इसका पाथ एक्चुअली में था ना, ठीक है। अब ये पाथ इसने फॉलो कर लिया, अगर इसको बढ़ाते हैं जिनकी डिस्टेंस बढ़ती है, देखिए इधर जाएगी ये इधर जाएगी, इनकी डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर हम पीछे ले जाते हैं तब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, ठीक है, यहाँ कट कर रहे हैं, तो मानते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, डी, ए बी सी, ए बी, इसको डी ले लेते हैं, डी हो गया। तो देखिए लाइट रे अगर अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट रे का पाथ ये होता, देखिए दो टू बटन था प्रिज्म पाथ ये हो गया, इधर से लाइट रे क्या होगी, इधर आ गया, ये पाथ था इधर आ गया ना, तो लाइट रे अपने पाथ से इतने एंगल से डिवेट हो गया ना, दो टू बटन था प्रिज्म, लाइट रे है डिवेटेड थ्रू दिस एंगल, लाइट रे इतने एंगल से डिवेट हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, डी एंगल ऑफ डिवेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिवेशन, एंगल ऑफ डिवेशन, लाइट रे इतने एंगल से डिवेट हो जाएगी, एंगल ऑफ डिवेशन कर लेते, ठीक है। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल हम एन ले लेते हैं, तो हम एंगल ऑफ डिवेशन और रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, प्रिज्म एंगल, आर आर डैश के बीच हम रिलेशन पार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दे, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी के बड़े से रही थी, ये बच्चे ये पॉइंट निकाल जाता तुरंत नोट कर लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लिए वेट नहीं कोई करेगा, ठीक है, एक जागरण तो है, वे जागरण ये जो डेफिनेशन लिखी थी वो कौन लिखा है, बड़ा था इसका वेट डेफिनेशन नहीं लेकिन कौन लेगा तुम जानते हो, नोट कर ये होता है
क्वाड्रिलेटरल बन गया, पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल देखिए ये 90 डिग्री है, कितना है क्योंकि ये आपस इस साइड पे नॉर्थ खींचा तो 90 डिग्री हुआ, ये एंगल 90 हुआ, ये भी 90 हो गया ना, तो ये 90 डिग्री इस तरफ से ये एंगल 90 तो ये 90 हो गया ना, ये 90 एंगल बी 90 डिग्री यहां से यहां तक का 90 डिग्री, यहां से यहां तक का 90 डिग्री है, ये आपस ये है तीन इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल पी ए बी पी ई पी ए ओ बी, पी ए ओ बी में क्या होगा बताओ, पी ए ओ बी में जो है एंगल पी और प्लस एंगल ए और प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, इसको कितना होगा 360 है, तो एंगल पी की वैल्यू क्या है, एंगल ए के लिए एंगल ए जो है 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दीजिए, एंगल ओ फाइंड करना है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, इसको लोग कहते हैं, तो यहां से एंगल ओ कितना हो जाएगा, एंगल ओ इसको लोग कहते हैं माइनस 180 माइनस है ना, यहां से एंगल ए को इसको लोग हो गया होगा, तो एंगल ओ हो गया आपका 180 माइनस 180 एक क्वेश्चन नंबर, इंट्रेंगल डी ए बी, इंट्रेंगल डी ए बी है, इंट्रेंगल डी ए बी, तो डी ए बी में देखिए डी ए बी है, डी ए बी में देखिए ये पूरा एंगल कितना होता है, यहां से यहां तक का एंगल आर आई, ये आर है, ये एंगल क्या होगा आई माइनस आर हो जाएगा, इतना एंगल क्या हो जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर है आपका आर डैश है, ये ई है, ये एंगल क्या हो जाएगा ई माइनस आर डैश, ई माइनस आर ठीक है, तो देखिए इसमें आई डेल्टा इज स्टीरियर, डेल्टा क्या होता है स्टीरियर एंगल है फॉर आई माइनस आर एंड ई माइनस आर डैश ना, तो डेल्टा इज स्टीरियर, इज स्टीरियर एंगल, एंगल फॉर स्टीरियर एंगल फॉर आई माइनस आर एंड ई माइनस आर डैश, ई माइनस आर डैश ठीक है, जब स्टीरियर एंगल है तो स्टीरियर इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, स्टीरियर एंगल है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता ना, तो इसलिए डेल्टा इज इक्वल क्या हो जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश, डेल्टा इज इक्वल हो जाएगा आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश, एक डेल्टा इज इक्वल हो जाएगा आई प्लस ई, चलिए आप हमें निकालना चाहिए, वो की वैल्यू है, वो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें,
से आर प्लस आर डैश इक्वल कर देगा ए, इक्वेशन नंबर है ना फोर, ठीक है। आप ये वैल्यू लाकर इसमें रख दीजिए, किस में थर्ड इक्वेशन में सेकंड में पुटिंग वैल्यू ऑफ आर प्लस आर डैश इन थर्ड है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर प्लस आर डैश सेकंड में वैल्यू रख दीजिए क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए ना, यहाँ से डेल्टा प्लस ए ये छूट क्या मिलेगा आई प्लस ई डेल्टा प्लस ए, ठीक है। ठीक है, ये की क्वेश्चन देखो क्या हमारा ठीक है। अब देखें बी एस के ग्राफ बिटवीन, तो जैसे एंगल ऑफ डिवेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड है बताओ, एंगल ऑफ इमर्जेंस पर डिपेंड है ना, एंगल ऑफ आई पर डिपेंड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आई और जैसे ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और डेल्टा वैल्यू आई पर डिपेंड करेगा, डेटा आई के बीच अगर आप ग्राफ देखेगा ये भी इसके ग्राफ बीच में डेटा आई जब भी ग्राफ लेते हैं सर, अगर हम देखें डिफरेंट आई के लिए डेटा लिखा है, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, आई को चेंज करते जाइए और डेटा को नोट करते जाइए और उसके बाद ग्राफ खींचेगा तब आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, ये आपका डेटा एक्सिस है आई एक्सिस है, तो आप देखिएगा कि आई के बढ़ने पर डेटा मान कम होता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डिवेशन की वैल्यू कम होती है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डिवेशन की वैल्यू लिस्ट हो जाती है, एंगल ऑफ डिवेशन की वैल्यू क्या हो जाती है सबसे कम हो जाती है, उसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तब फिर एंगल ऑफ डिवेशन वाला बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं आई डेल्टा कर्व कहा जाता है, ये आपका आई डेल्टा कर्व, ये आपका आई डेल्टा कर्व है, आई डेल्टा कर्व, आई डेल्टा कर्व, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डिवेशन की वैल्यू सबसे कम लेस्ट है ना, एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डिवेशन इज लेस्ट, तो दिस लेस्ट एंगल ऑफ डिवेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिवेशन, इसे क्या कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिवेशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए इस पर वैल्यू जो है सबसे कम है इस आई पर डेटा के बराबर, अब इसको छोड़ करके कोई एंगल नहीं जैसे ये ले लीजिए तो आपको दो एंगल मिलेंगे, दो एंगल आप इंसिडेंस मिलेंगे जिस पर डेटा का एक ही होगा, जैसे ये लेते हैं इसको लेते हैं ना इसको आ लीजिएगा तो देखिए आपको दो एंगल मिलेगा, एंगल ऑफ डिवेशन दो मिलेंगे, एक एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला, देखिए इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेटा वैल्यू सेम, डेटा वैल्यू क्या सेम है ना, मैंने इसको छोड़ करके और सभी आई के लिए डेटा के दो मान होंगे, अरे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेटा एक ही होगा, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेटा क्या होगा एक ही होगा, लेकिन इस आई पर जो है इस डेटा एम के लिए आई की वैल्यू एक ही है, मैंने एक यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही एंगल ऑफ डिवेशन की वैल्यू लिस्ट होगी फॉर ए सर्टेन अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस लिस्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डिवेशन है, तो एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डिवेशन इज लिस्ट, ठीक है, दिस लिस्ट एंगल ऑफ डिवेशन इज नोन एज एंगल ऑफ मिनिमम डिवेशन, ये क्या कहलाता है एंगल ऑफ मिनिमम डिवेशन कहलाता है, ठीक है। तो एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस एंगल ऑफ डिवेशन इज लीस्ट एंगल ऑफ डिवेशन एंगल ऑफ डिवेशन इज लीस्ट, देखिए दिस लीस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस लीस्ट
वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, दिस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, ठीक है। फिर आई आर की वैल्यू निकालने लोगे,
फिर इसने ला लगाना पड़ेगा, अप्लाई इसने ला 20, तो ये पर इसने ला अप्लाई कर दीजिए। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल क्या होता है बताओ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसने ला ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ना, ठीक है। क्योंकि पहला मीडियम वैक्यूम है, एयर है, इसलिए हम सिंपली यहां लिख दे रहे हैं। तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा, n इज इक्वल हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू साइन ऑफ i, i इक्वल क्या है, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 होल अपॉन साइन ऑफ a बाय 2, साइन ऑफ a बाय 2, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रिंज मटेरियल, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रिंज मटेरियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रिंज मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो ये आपको पूरा दिखाना होगा, ठीक है। अच्छा जैसे आई की वैल्यू ई के बराबर हो गया और आर की वैल्यू आर डी एस के बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो इमरजेंट रे है रिफ्रेक्टिव रे है बेस के पैरेलल होगा, बेस के क्या होगा पैरेलल ना, तो एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रेक्टिव रे पैरेलल टू द बेस ना, एक रिजल्ट हमें मिल गया कि एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रेक्टिव रे इज पैरेलल टू द बेस, तो एक रिजल्ट हमें लिख लीजिए यहाँ पर एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन है डेविएशन डेविएशन है, चलिए डेविएशन यहाँ लिख देते हैं स्पेशली ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस, टू द बेस फॉर आइसोसेलेस प्रिंग, ये कंडीशन ये भी है प्रिंग आपका आइसोसेलेस होना चाहिए, ठीक है, फॉर आइसोसेलेस प्रिंग फॉर सेम बेस एंगल, ठीक है, फॉर आइसोसेलेस प्रिंग, आइसोसेलेस प्रिंग, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ऑफ माइंड पर रखिए, चलिए कॉपी करिए।